हमने आपसे कम्युनिटी टैब में कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। तो हमारे ज्यादातर सब्सक्राइबर ने यह रिक्वेस्ट किया कि वो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवीज जिसकी डबिंग हिंदी में हो चुकी है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन कौन सी मूवीज हैं जिसे नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली हिंदी में डब किया है। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है द डर्ट। 2019 में आई द डर्ट अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा बेस्ड मूवी थी जिसका डायरेक्शन जेफ ट्रेमेन ने किया था। ये मूवी अमेरिकन हैवी मेटल बैंड मोटली क्रू पर बेस्ड है जो कि 80s के टाइम में एक पॉपुलर रॉक बैंड था। ये पहली ऐसी मूवी है जिसे बिना सेंसर के डब किया गया है, जिसका मतलब ये है यह 18+ मूवी है और इसमें काफी अब्यूजिंग वर्ड यूज किए गए। वहीं ये मूवी काफी एंटरटेनिंग है, अगर आप 18+ हैं तो इस मूवी को जरूर देखें। हमारे इस लिस्ट में अगले नंबर पर है ट्रिपल फ्रॉन्टियर। अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई ये मूवी एक्शन और थ्रिलर से भरपूर है। ये मूवी 5 दोस्तों की कहानी पर बेस्ड है जो मिलकर ड्रग माफिया से पैसे लूटने की प्लानिंग करते हैं। इस मूवी की कहानी कोलंबिया शहर पर आधारित है जहां पर ड्रग का व्यापार एक आम बात है। इस मूवी को IMDB के अकॉर्डिंग 6.5 रेटिंग दिया गया है और वही हमारी रिकमेंडेशन है कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हैं। और इस लिस्ट में अगले नंबर पर है द लेजेंड ऑफ कोकीन आइलैंड। मार्च 2019 में रिलीज हुई द लेजेंड ऑफ कोकीन आइलैंड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका डायरेक्शन थियो लव ने किया है। ट्रिपल फ्रंटियर की तरह ये मूवी भी ड्रग पर आधारित है जहां पर एक आदमी कोकीन की तलाश में एक आइलैंड पर चला जाता है। वहीं इस मूवी की रिव्यू की बात करें तो इसे ठीक ठाक रिव्यू मिले हैं और जिसे IMDB पर 6.4 रेटिंग दिया गया है। हमारे इस लिस्ट में अगले नंबर पर है मिराज। वैसे तो मिराज एक स्पेनिश मूवी है लेकिन इसे हिंदी में भी डब किया गया है। वहीं ये मूवी मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है और ड्रामा से भरपूर है। मूवी का फर्स्ट पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन जैसे जैसे आप मूवी को समझने लगते हैं मूवी काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। इस मूवी को IMDB ने 7.5 रेटिंग दिया है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है मोगली लेजेंड ऑफ जंगल। 25 नवंबर 2018 को रिलीज हुई मोगली लेजेंड ऑफ जंगल एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन एंडी सर्किस ने किया है। और वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रोहन चंद, मैथ्यू और फ्रीडा पिंटो है। और वहीं इस मूवी को अभिषेक बच्चन, करीना कपूर, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ ने हिंदी डब में अपनी वॉइस दिया है। अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDB ने 6.5 रेटिंग दिया है। लिस्ट में अगले नंबर पर है द नाइट कम्स फॉर अस। 2018 में आई द नाइट कम्स फॉर अस एक इंडोनेशियन एक्शन थ्रिलर बेस्ड फिल्म है। इस फिल्म की कहानी एक पुराने क्रिमिनल पर आधारित है जो एक लड़की को बचाने के लिए वापस अपने पुराने प्रोफेशन में लौट आता है। वहीं इस मूवी को काफी अच्छे रिव्यू दिए गए हैं और इस मूवी को IMDB पर 7 रेटिंग दिया गया है। लिस्ट में अगले नंबर पर है वॉर मशीन। 2017 में आई वॉर मशीन एक अमेरिकन वॉर फिल्म है जिसका डायरेक्शन डेविड माइकर्ट ने किया है, जिसके लीड रोल में है ब्रैड पिट। हालांकि इस मूवी को ज्यादा अच्छे रेटिंग तो नहीं मिले हैं लेकिन IMDB की तरफ से 10 में से 6 दिए गए हैं। मूवी की इस रेटिंग की वजह इस मूवी का काफी स्लो होना है जो कि काफी हद तक दर्शकों को बोर करती है। इस लिस्ट में अगले नंबर और आखिरी नंबर पर है ओगजा। 2017 में रिलीज हुए ओगजा एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसकी स्टोरी एक लड़की और उसके दोस्त जायंट हिप्पो पर आधारित है। अगर इस मूवी की कमाई की बात करें तो इस मूवी ने अपने बजट के अकॉर्डिंग बहुत ही कम कमाई की, जिसकी बड़ी वजह इसका खराब CGI था। लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग ये मूवी काफी अच्छी थी और इसे अच्छे रेटिंग भी दिए गए हैं। आपको ये मूवीज की लिस्ट कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी कौन सी मूवी है जिसे आप पहले देखना चाहेंगे।